सब, मेरा नाम है शौर्य और बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है शौर्य व्लॉग्स। तो दोस्तों आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है और मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि आज क्या होने वाला है, क्योंकि जो होने वाला है वो आप इस वीडियो में आ गया खुद देखेंगे। तो गाइस व्लॉग से जुड़े रहिए एंड मज़े लेते रहिए शौर्य व्लॉग से। यार ठंड हो रही है, स्वेटर वेटर पहनना बहुत जरूरी है गाइस, स्वेटर पहन लीजिए। हो अरे वाह क्या स्वेटर है, पर लेकिन यार ये तो आधी हस्ती इनका है, थोड़ा शायद बड़ा और चाहिए ना मजबूत सा, तो एक और स्वेटर पहन लेता हूँ। ओ अरे वाह ये ठीक लग रहा है, अब ऐसा ना ठंड बहुत कम लगेगी, मैं ठंड को चकमा देना चाहता हूँ चकमा। चलो चलते हैं अपने काम पर। यार भाई अब यहाँ से हम जा रहे हैं अपनी शॉप पर एंड शॉप पर जाने के बाद देन यहाँ से हमें सेंटर पे पहुँचना है, क्योंकि आज एक सीपीयू में प्रॉब्लम आ गई है, उसे रिपेयर करना है। देन रिपेयर करने के बाद भगवान करे वो चल जाए यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें क्रिएटिव प्रॉब्लम्स है, मतलब देख कर दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा इस डकार की तरह। आपको आवाज़ नहीं आने की, आज माइक कनेक्ट नहीं है, वेल ऐसी आवाज़ आएगी आपको। एंड चलिए चलते हैं सेंटर पर और देखते हैं उस सीपीयू की क्या हाल है, मैं आपको भी दिखाऊँगा इस कैमरे से। तो भाई इस समय मैं खड़ा हूँ अपने घर के पास और अब यहाँ से मेरे को निकलना है सीधा मार्केट की ओर, और मार्केट में फ़िलहाल मुझे एक जाना है बैंक ब्रांच में, वहाँ पर अपना वर्क करने के बाद देन सेंटर पे पहुँचना है। तो चलिए यहाँ से पहुँचते हैं सीधा पहले बैंक ब्रांच पर और देन फिर सीधा सेंटर पर। हाँ यार यहाँ से मैं अपने सीधे सेंटर पे पहुँच चुका हूँ, बैंक में बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसलिए मैं कुछ काम नहीं कर पाया। सेंटर में बाल बच्चे बैठे होंगे बहुत सारे, देखता हूँ जाके। ये देखो सारे बैठे हैं, ये भाई साहब कल वाले प्रोमो कोड लगा। भाई यहाँ से हमने इस वाले सीपीयू में फतेह हासिल कर लिया, इसका ये एसएमपीएस डिब्बा ख़राब था, ये वाला इसका डैमेज है और ये वाला सही वाला लगा। मौज होगी गाइस, अब डिस्प्ले आ चुकी है, अभी दिखाता हूँ मैं, तो दोबारा प्ले करूँगा ना इसको, दिखाता हूँ आपको रुको। तो यहाँ से गाइस देखो डिस्प्ले आ चुकी है और यहाँ से देखो ये देखो भाई, और यहाँ पर बस अब F1 प्रेस करना है और ये ऑन हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन जी ऑन हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर मैं आया हूँ कहाँ, मतलब मैं भैया की बराबर वाली शॉप पर आया हूँ। यहाँ पर देखो भैया ये चोली और घाघरा छोकड़ो पता नहीं क्या क्या बेचते हैं, आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। देखो कितने सारे हैं, ओ माय गॉड यार घर वाले सुना न दें कहाँ की वीडियो बना। और ये भैया बेचते हैं वो सब, प्रोमो कोड लगाओ, काफ़ी अच्छे खासे कपड़े बेचते हैं, ऐसी बात नहीं है। रेट वेट भी ठीक ठाक है पर रेट फिक्स है भाई, देखो रेट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। आज भैया अपने लैपटॉप के अंदर डलवाने वाले हैं क्रोम ब्राउज़र, और क्योंकि ये चाहते हैं अपने पैसे बचा लूँ, ई श्रम कार्ड बना के फ्री में भाड़ में जाए दुनियादारी। तो चलिए यार भैया का ई श्रम कार्ड बना देते हैं, और कभी शॉपिंग करनी हो तो आप आना दामोदर मार्ग पर, घोपड़ा रोड पर पड़ता है भाई, मतलब पता हो तो ठीक है वरना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ से मैं इस समय आया हूँ नारायण के घर पर, वेल नारायण जी मेरे साथ चल रहे हैं PL6 रोड पर, और वहाँ PL6 रोड जाना मतलब वहाँ पर क्या है, वहाँ पर पूरे कंप्यूटर की मार्केट है, तो वहाँ से हमें कंप्यूटर मतलब कुछ CPUs उठा के लेके आने हैं, एंड उसके लिए नारायण जी मेरी हेल्प करने वाले हैं कैमरा पकड़ने में प्लस सिस्टम देखने में। तो चलिए चलते हैं यहाँ से मार्केट की ओर, और रास्ते में काफ़ी मज़ा आने वाला है। और आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं PL6 रोड पे। सर जी वेंडर वेंडर पता करनी हो क्या, वेंडर वेंडर पता करनी हो। सॉरी जी अब क्या वेंडर है, अब तो हो गया काम, तो यहाँ आ चुके हम शॉप पे, अब अपना करते हैं काम, बाद में मिलते हैं आपसे। तो गाइस यहाँ से हम आ चुके हैं भैया की शॉप पर, और भैया इस समय सामान दे रहे हैं, एक SMPS लिया, एक माउस खरीदा, एक VGA केबल खरीद लिया, एंड CPU जो रिपेयर होने आया था वो अब रिपेयर हो चुका है, एक ही रिपेयर हुआ है ख़राब हो गया। तो ठीक है यार नारायण जी साथ में आज सपोर्ट के लिए, नारायण जी ने बहुत हेल्प करी कैमरा पकड़ने में, एंड थैंक यू सो मच। गाइस यहाँ से CPU सब सामान ले लिए हैं, देन बैग में सब सामान पैकेज कर लिया, नारायण जी भी रेडी हैं कैमरा पकड़ने के लिए, अब चलते हैं अपने सेंटर पर और सेंटर पर जाने के बाद अपना अदर वर्क करते हैं। थैंक यू गाइस यार आपने कैमरे में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, पर अभी व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ यार, चलिए चलते हैं घर पे। तो और
गाइस हम कर रहे हैं यहाँ से शूटिंग। किधर को निकलने का? हाँ, और हम कहाँ आ चुके हैं आपको पता है? हम आ चुके हैं सोतीगंज, देख सकते हैं सोतीगंज, ये वही मार्केट है मोदी जी वाला। मतलब कि मोदी जी ने जहाँ चर्चा किया था, प्रिय देशवासियों, मेरठ में एक नगर है जिसका नाम है सोतीगंज। वहाँ पे संपूर्ण देश के, दुनिया भर के जहाँ भी गाड़ी चोरी होती है वो कटने वो यही आती है। भाई इस समय अपने जिम के पास खड़ा हूँ और मतलब वहाँ से सेंटर पे आ गया था। सेंटर पे आने के बाद अजय जी के साथ बैठ रहा हूँ दो क्षण के लिए। अजय जी देखो भाई साहब अंधेरे में ऐसा आ रहे हैं एकदम मोती समान, तुलना नहीं की जा सकती भाई साहब इनकी। चलो शॉप पे चलते हैं भाई, फिर मिलेंगे। तो गाइस यहाँ पर अब मैं अपने इस समय शॉप पर हूँ और अजय जी के बाद यहाँ पर शॉप पर आया हूँ। आज बहुत ज़्यादा बिजी भी था मैं यार, पता नहीं हर रोज़ मैं बिजी रहता हूँ हर व्लॉग में। एंड इस समय शायद मैं शिवम जी के घर पे जा रहा हूँ, शिवम जी ने कहा है मेरे घर पे आ जाओ। सॉरी अजी, तो चलिए यार शिवम जी के पास चलते हैं, अगर शिवम जी मिलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। गाइस यहाँ पर मैं शिवम जी के घर के पास आ चुका हूँ और शिवम जी देखो पीछे ये रहे यार, मुझे शर्म नहीं आ रही, बताओ इतनी ठंड में देखो क्या पहन रखा है, कपड़े पहन रखे, बताओ इनने कुछ पहन नहीं रखा, खोपड़े ध्यान नहीं दे रही, हद होगी यार। बताओ मैं इसके घर वालों को ताना देना चाहूंगा, बस मैंने इसको ताना दे दिया और चाबी छोड़ दे रही ताने के साथ चाबी फ्री। तो गाइस मैंने इसको हाथ में साफ साफ ताना पकड़ा दिया, घर आके कागज ले जाना तानोगे, है ना, सिग्नेचर भी कर दूं। हां देख लो भाई ताने वाने दे दिया। अब मैं शिवम जी थोड़ी बातचीत कर लेता हूं। या आई विल रेड यू आई विल रेड यू इंग्लिश में शर्म नहीं आती कैमरे के, तो हमारी बातचीत चल रही है इस समय शिवम जी के साथ कैमरे के आगे। गाइस यार कैमरा अच्छा आ रहा है वैसे, नाथ के रंग क्या बात है, मस्त आ रहा ना। रिचार्ज खत्म हो गया वाईफाई का, ये देखो गरीबों का रिचार्ज खत्म हो गया, बताओ मिस कॉल जितने पैसे भी नहीं है। देखो ध्यान से देखो बेचारो जिनका रिचार्ज नहीं है, उनका चेहरा देखो, देखा कैसा होता है, ऐसा होता है जैसे दुल्हन भाग गई हो। चलिए यार घर पहुँचते हैं भाई। तो भाई यार अपने घर आ चुका हूँ एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज पूरे दिन में, आपने भी देखा यार, मतलब पूरा एंटरटेनमेंट हुआ, मतलब इतना भी नहीं हुआ बट लेकिन काफ़ी मज़ा आया आज का पूरा दिन, बिजी भी बीता और मज़े में बीता। आज पीएल शर्मा रोड पे गए थे, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमने खरीदी, जैसे कुछ सिस्टम हमने बाय करे थे, ज़्यादा मैं वीडियो में नहीं दिखा पाया क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं कि एकदम दिखाओ तो अल्लाह था कुछ भी नहीं होता। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब आज एंटरटेनमेंट रहा एंड इंतजार कीजिए नेक्स्ट ब्लॉग का, जो नेक्स्ट ब्लॉग आपको मिलने वाला है। काटो सुबह सुबह, ओ माय गॉड इस समय तो रात हो रही है ना। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, सो गाइस बाय।